exciting contest and I'm sure the crowd will be waiting to see the हालिया मैचेस में बहुत अच्छा रहा है लेकिन उन्हें चुनौती पेश करते हुए धकेलते हुए बड़ी आसानी से वापस अपने पाले में चले गए। आपको बताएं अब गुलाम अब्बास भट्ट जो कि अब कोच है इस लाहौर लायंस की टीम के एक लेजेंड है कबड्डी के अंदर बहुत ही बड़ा नाम है काफी उनके शागिर्द हैं इस टीम में मौजूद जिसमें जानी से नियारा डोगर जैसे काफ़ी खिलाड़ी हैं शामिल और काफ़ी रिस्पेक्ट भी उनकी है और इस मुकाम से पहले काफ़ी सलाम मशवरा दे रहे थे काफ़ी खिलाड़ियों को बता रहे थे आज क्या करना है पर आज जो कंडीशन हैं दबाएँ बिल्कुल अलग हैं जो मैट है जो मुकाबला खेला जा रहा है बिल्कुल सूखी हुई है उसका प्रभाव नजर नहीं आ रहा अभी अकमल डुगर अपने दूसरे रेड के लिए आ चुके हैं और इस बार लक्का चीमा को परास्त करते हुए जा रहे हैं और एक जज्बा सा नजर आ रहा है टीम में पहला सक्सेसफुल स्टॉप तो कर ही चुके हैं नईम सिंधु लेकिन रेडर्स ने भी अब तक डिसअपॉइंट नहीं किया बिल्कुल जैसे आपने कहा देखिए कल चिश्ती ने अच्छा कार्य किया बस था पर डोगर बहुत ही खराब लय में थे पर आज एक फोकस है एक कुछ करने की इरादा से उतरी है पूरी लाहौर लायंस की टीम वही दिखाया अभी तक डोगर ने दोनों ही रेडों में अब तक सक्षम रहे हैं और दोनों जो सबसे एक्सपीरियंस रेडर्स हैं वो शुरू में आए हैं लाहौर लायंस के लिए गुरप्रीत यहाँ पे गुरप्रीत मुसीबत में हो सकते हैं क्योंकि उनके बिल्कुल सामने आ चुके हैं खलील अहमद खलील कल अच्छे फॉर्म में थे लेकिन यहाँ पे बच निकले अपने पतले गठन का पूरा फायदा उठाया और अब लाहौर लायंस को अपने दूसरे पत्ते खेलने पड़ेंगे याद रखिए वो रूल कि 5 कम से कम खिलाड़ियों को कम से कम 2 रेड्स करने पड़ेंगे तो उनमें से एक अगर कमजोर कड़ी का आ जाए ना क्योंकि थोड़े से कम अनुभवी है तो रहमान इश्तियाक बिल्कुल और रहमान इश्तियाक कल कई बार मुसीबत में नजर आए थे जब वो उनके सामने संदीप थे आज देखने वाला किस प्रकार शुरुआत रहती है यहाँ पे बढ़िया नहीं यहाँ पे पहली स्टॉपिंग मिलती पंजाब थंडर को रहमान इश्तियाक की हम बात कर रहे थे कल भी इतनी अच्छी लय में नहीं थे और आज उनके ऊपर इस स्टॉप के कारण दबाव जरूर बढ़ेगा प्रयास किया था पर अच्छी सोच की बिल्कुल जो साइड लाइन है उसकी तरफ उनको लेके गए और उसके बाद उनको धकेला पुश किया और यहाँ पे पंजाब थंडर को एक अंक मिलता हुआ लखवीर थे वहाँ पे और यकीन कीजिए इस रेड से पहले मैं ये सोच रहा था कि शायद एक बड़ा गैम्बल हो यहाँ पे एक कम अनुभवी खिलाड़ी को भेजने का जरूर वो रूल आपके दिमाग में होना चाहिए लेकिन आप अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग एक क्वार्टर में पहले क्वार्टर में आपको 14 या 15 रेड्स करने पड़ते हैं तो शायद अपने कम अनुभवी खिलाड़ियों को बाद तक रखें चाहे रखें तो आपके लिए ज्यादा फायदा बन सकता है यहाँ के जितने भी लेजेंडरी खिलाड़ी हैं उनके फैंस भरपूर भरे हुए हैं सुरजीत हॉकी स्टेडियम जलंधर में बहुत अच्छा माहौल है और अब देखिए फिर से अनुभवी खिलाड़ी को भेज रहे हैं क्योंकि शफीक अहमद चिश्ती कप्तान खुद बिल्कुल और इनके बारे में बताएं आपको कि बहुत ज़्यादा अनुभव है 2007 में कबड्डी का खेल शुरू किया था और 2009 में नेशनल टीम में आए 2010 में विश्व कप में भाग लिया ईरान में एशिया कप ली गए 2011 में अनुभव की कोई कमी नहीं और यहाँ पे एक और सफल रेड पूरी करते हुए जैसे दबाएं कहते हैं कम से कम 5 रेडर्स का प्रयोग करना पहले क्वार्टर में अनिवार्य है और उनके लिए 2-2 रेड करना वो भी बहुत ज़रूरी है पर 14 या 15 रेड होती हैं तो कहीं ना कहीं शुरू में अगर आप अनुभवी खिलाड़ी को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है टीम का और उससे उनकी परफॉर्मेंस पे भी प्रभाव पड़ता है और जो कम अनुभवी हैं उनके भी कार्य उतना आसान रहता है दूसरी ओर आप पंजाब थंडर की यहाँ पे नीति देखेंगे हर खिलाड़ी को करीब एक एक बार ये दूसरा अटेम्प्ट था टिंदा का पहली बार रोके गए थे लेकिन यहाँ पे वो कन्वर्ट करने में कामयाब रहे पहली बार नईम सिंधु ने बेहतरीन तरीके से उन्हें रोका था और इस बार कोशिश की थी जरूर मोहसिन बाला ने लेकिन फिर भी बच निकले या बिल्कुल मोहसिन बाला भी एक बहुत ही अनुभवी स्टॉपर है इस बार थोड़ी सी मुझे लगता है लेट उन्होंने रिएक्ट किया जिसके कारण बहुत जल्दी तनविंदर अपने पाले में वापस आते हुए डोगर एक बार फिर 2 आंखें 8 आंखों पे नजर रखती हुई कौन पहले आक्रमण करेगा यही दिलचस्पी रहती है क्या यहाँ पे डबल टच हुआ है और जी हाँ मुझे लगता है कि वही कारण डोगर ने इशारा किया एक और अंक हासिल करते हुए अभी तक चिश्ती और डोगर 3-3 रेड डालने के लिए आए हैं और 100% रिकॉर्ड है दोनों का ही अजय आज का मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है क्योंकि लाहौर लायंस जरूर एक जज्बा और जुनून के साथ खेलती है और कल जिस तरीके से ये परास्त हुए थे उससे बहुत कड़वी दवाई की तरह उन्होंने पिया होगा घूंट के पिया होगा और आज कोशिश करेंगे कि उसका पलटवार बहुत जबरदस्त तरीके से सरबजीत सिंह निकू सिंदर
उनके पास मौका है अपने 50वां सक्सेसफुल रेड यहां पे करने का वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। शुरुआती पहले या दो राउंड्स में बहुत सारे मैचेस खेले थे, लेकिन अब कहा जा सकता है पैकिंग ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं। हालांकि यहां पे सुल्तान सिंह चूंकि चोट की वजह से या बीमारी की वजह से नहीं है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा दारोमदार और है। अब अपने दूसरे रेड के लिए आए हैं रहमान इश्तियाक। और कोच बहुत ही ध्यान पूर्वक उनको देखते हुए रहमान इश्तियाक भी नहीं आए, बल्कि मोहम्मद खान आए हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टेक्निक का निष्पादन किया मोहम्मद खान ने, और एक सक्षम रेड पूरी करते हुए रेड डालने के लिए आए थे मोहम्मद खान। बहुत ही फुर्तीले भी है। कई लोगों के हम भी शुक्रगुजार होंगे, सबसे पहले तो वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के जिन्होंने पूरी तरह से रचना की थी, और हमारे चेयरमैन वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के साथ साथ डिप्टी सीएम पंजाब के सरदार सुखबीर सिंह बादल, कमिश्नर सरदार प्रगट सिंह, और हमारे बेहतरीन स्पॉन्सर्स वेव और सोनालिका ट्रैक्टर। यहाँ पे बिल्कुल सोनालिका ट्रैक्टर की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, लेकिन बल के साथ बढ़ते हुए बेहतरीन एक कन्वर्जन अपने पॉइंट का लखविंदर सिंह का। देखिए यहाँ पे दाद देनी होगी लखविंदर की। अब जो उनकी सोच थी, ऐसा लगा कि अब मुश्किल में है, कैंची का प्रयोग किया था, पर जिस प्रकार धीरे धीरे अपने पाले की तरफ गए, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया दृढ़ संकल्प दिखाया लखविंदर, और उसके कारण उनको अंग मिलता हुआ। निशान ली अब 20 नंबर की दर्जी में एक और युवा रेडर लाहौर लायंस के लिए, कल इतनी बढ़िया फॉर्म में नजर नहीं आए। कल जितने भी युवा खिलाड़ी थे उनका बहुत बहुत मुश्किल वक्त बीता, और ये देखना पड़ेगा कि आज किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से इस मैच में वापसी कर पाएंगे। यहाँ पे पकड़ मजबूत है सुखमन की, और आसानी से ये पॉइंट मिलेगा, स्टफ पॉइंट पंजाब थंडर को। पहली बार इस मैच में पंजाब थंडर के पास बढ़त। देखिए बहुत जरूरी है पंजाब थंडर की जो ताकत हमेशा रही है स्टॉप लाइन, वो आज कारगर साबित हो। ज्यादा उनके कप्तान है, पिछले मुकाबले मैन ऑफ मैच भी थे, बेस्ट स्टॉपर का खिताब भी उन्हें जीता था। आज उनको आगे से लीड करना होगा। हालांकि अभी तक तीन बार प्रयास किए सफल नहीं रहे, पर लखवीर सुखविंदर अच्छा कार्य करते हुए, सुखमन जी भी अब उनका अच्छा साथ दे रहे हैं, तो आज इंचुट होकर जो स्टॉप लाइन है उसको आगे आना होगा, क्योंकि लाहौर लायंस के पास कुछ बेहतरीन रेडर्स हैं। शुरू में अगर दबाव में डाले तो बेहतर रहेगा उनके लिए। गुरप्रीत यहाँ पे शुरू में अब देखा था कि अब सफल रहे थे, जब पहली रेड डालने के लिए आए थे लंबे करके हैं काफी अब ओनर उनके पास, और बढ़िया टेक्निक के तहत बिल्कुल अपने पाले में जाते हुए कौन बदला, बहुत ही जल्दी डाइव लगाई अंत में। कोचिंग स्टाफ जिसमें असिस्टेंट कोच गुरप्रीत सिंह खासकर बहुत बहुत उत्साहित, क्योंकि उनके ही हमनाम गुरप्रीत ने बहुत अच्छी तरह से इस पॉइंट को अपनी टीम के लिए मुकम्मल किया। शफीक अहमद चिश्ती यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल रही है लाहौर लायंस। अगर नीति के हिसाब से देखें फिर से, यानी अपने युवा खिलाड़ियों को आखिर तक बचा रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले शायद लखा यहाँ पे कमाल कर दे, स्टॉप पॉइंट मिला है कि नहीं। चिश्ती तो बहुत बहुत कन्विंस है कि पॉइंट उन्हें मिला है, लेकिन स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लखा चीमा के पक्ष में। देखिए थोड़ी सी नाखुश नजर आ रहे हैं वहां पे कप्तान लाहौर लायंस के चिश्ती। लखा चीमा ने जो ग्रिप बना के रखी, जो पकड़ बना के रखी, यही कारण धीरे धीरे धकेलते गए, और जी हाँ जो साइड लाइन है उसके पार गए अपने आप से काफी नाखुश चिश्ती। जानते हैं ये एक महत्वपूर्ण अंक हो सकता है, बढ़त मिलती हुई है पंजाब थंडर की टीम को, बहुत जरूरी है दोनों टीमों के लिए अच्छा आगाज करना, तभी अंजाम भी अच्छा होगा उनके लिए। यहाँ पे जो एम्पायर्स हैं वो रिव्यू का प्रयोग करना चाहते हैं, या थर्ड एम्पायर से कुछ पूछा तो है। चिश्ती के मुताबिक वो पहले छू चुके थे, और ये भी शायद सवाल है कि साइड लाइन से पहले कौन बाहर निकले थे, पर यहाँ पे आप कह सकते हैं अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं प्लेइंग विद फायर लाहौर लायंस की टीम, क्योंकि अभी भी याद रखिए उस रूल के मुताबिक जो युवा खिलाड़ी हैं उन्हें अभी भी तीन रेड्स मुकम्मल करने पड़ेंगे। देखिए ये एंगल से स्पष्ट है कि अब चिश्ती बाहर गए हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि उनका पैर, अगर आप देखें बाहर में जरूर बाहर आया है, तो चिश्ती ने एकदम इशारा किया, और ये कारण है कि डिसीजन से भी ऑन फील्ड एम्पायर्स के डिसीजन है उससे थोड़ी नाखुश थे, पर सही सोच है जो ऑन फील्ड रेफरीज है कि इसको रेफरल के लिए कहा गया है,
क्योंकि आप बिल्कुल संतुष्ट होना चाहते हैं जब टेक्नोलॉजी आपके साथ हो, उसका प्रयोग जरूर आपको करना चाहिए। देखिए अभी भी जो प्रतिक्रिया है चिश्ती की, थोड़े से नाराज, पर यहाँ पे अब तारीफ करनी होगी लखा चीमा की, जिस प्रकार गिरफ्त में लिया था लाहौर लायंस के कप्तान को। जी अगर अगर लाइन का मामला हो तो ऐसा जरूर लग रहा है कि चिश्ती पहले बाहर निकल चुके थे। When you look at the replay now, keep your eyes on the shoulder blades of Shishti and the area behind his head. सबसे पहले उनकी पीठ जाके लाइन के बाहर जाके गिर रही है। देखिए बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है, मुझे अब कोई भी शंका नहीं कि यहाँ पे अब पंजाब थंडर को ही अंक मिलना चाहिए। लखा चीमा का अच्छा प्रयास है, यही शायद एंगल से देखना चाहते हैं जो थर्ड एम्पायर है। बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय, ना खुश थे पर सही चीज, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, पर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा था 11-8 से यहाँ पे अब पंजाब थंडर की टीम को बढ़त मिलती हुई, एक अच्छी बढ़त। और लखा का दो स्टॉप्स हो चुके हैं अब, और सुपमनजीत का भी एक, यानी यादा सुरपुरिया को अब तक मैच में इन्वॉल्व होना ही नहीं पड़ा है। यहाँ पे खुशदीप एक पॉइंट अपनी टीम के लिए लेके जाएंगे, टिंकू उनका नाम जो कि उनके जर्सी पे भी लिखा हुआ है, टिंकू कनौर के नाम से जाने जाते हैं। कबड्डी नाम, जैसे कि आपको सबको बताते हैं कि ऑफिशियल नेम के साथ साथ एक कबड्डी नेम भी होता है, जिसमें एक निकनेम साथ में पिंड का नाम, ये खासियत है सर्कल स्टाइल कबड्डी की। और जैसे जैसे हमारे दर्शक बढ़ते जा रहे हैं, हम आपको यही समझाते हैं कि किस तरीके से तौर तरीके, वैसे नियम अजय मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, कोई भी दिख रहा हो उसे इस गेम से अगर प्यार ना हो तो वो शायद इंसान इंसान ही नहीं। क्या बिल्कुल, देखिए जितनी सरलता रहती है किसी भी खेल में होते हैं, या जो दर्शक जो जुड़े रहते हैं, जो समर्थक होते हैं, उनको मजा आता है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार वन ऑन वन कॉम्बैट हुआ, डोगर ये लड़ाई जीतते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ बहुत ही जल्दी अपने पाल में पहुंचे, बहुत ही फुर्तीले हैं, बहुत ही एक अच्छे एथलीट है। और आपको बताएं ना केवल इस खेल में कबड्डी में माहिर है पर नेशनल अपनी रग्बी टीम में भी रह चुके हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, उसमें तेज गेंदबाज थे और फुटबॉल में भी इन्होंने भाग लिया है। तो क्या कहने डोगर के, एक कारण है कि इतने फुर्तीले आपको नजर आते हैं। पर यहाँ पे तलुंगर उसी प्रकार बहुत अच्छी टेक्निक के तहत एक अंक प्राप्त करते हुए, आई एम हियर फॉर लखा चीमा, जी अभी तक कमाल कर दिया है और लाहौर लायंस के कप्तान को एक बार रोका है, पर अभी तो मंजिल बहुत दूर है क्योंकि ये मात्र पहला ही क्वार्टर है। तीन स्टॉप्स थंडर के नाम, एक स्टॉप लाहौर लायंस के नाम, यानी इस पहले क्वार्टर की जो दाव पेच है वो कह सकते हैं पंजाब थंडर ने बहुत अच्छी तरीके से निभाए हैं। यहाँ पे मोहम्मद खान फिर से फंस सकते हैं, अगर उन्हें धकेले में कामयाब हो तो एक और स्टॉप होगा। तो सारे फैंस ही नहीं कह सकते हैं, पंजाब थंडर की पूरी टीम, दे आर हियर फॉर लखा चीमा। देखिए आज शुरू से ही ऐसा लग रहा है कुछ दृढ़ संकल्प से उतरे लखा चीमा, बहुत ही बढ़िया टेक्निक। देखिए लगभग जिस प्रकार चिश्ती को उन्होंने भाग धकेला था वही टेक्निक का यहाँ प्रयोग किया, एक टांग अपने पकड़ में ली, संतुलन खोया वहां पे मोहम्मद खान ने। और ये मुश्किल है जो युवा खिलाड़ी हैं लाहौर लायंस के, वो संघर्ष कर रहे हैं। चिश्ती ने अच्छा कार्य किया, डोगर भी आज 100% का रिकॉर्ड है, पर यहाँ पे क्या अंक मिलेगा एक बार फिर, पर जी नहीं पंजाब थंडर की टीम को मिलता हुआ ही संकेत ऑन फील्ड रेफरी का। अजय मैं कहूंगा कि लाहौर लायंस के लिए पहले क्वार्टर में जो दोहरी जिम्मेदारी रही है वो कोई भी एनवी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ आपके पास एक काफी यंग टीम है, तजुर्बेकार रेडर सिर्फ दो हैं, और उनको बैलेंस करवाना और बाकी खिलाड़ियों को भी भेजना एक बहुत बहुत एक स्ट्रैटेजी की चीज है, और जो आज बिल्कुल काम नहीं किया। लेकिन रहमान इश्तियाक के पास यहाँ पे मौका है, डबल टच, एक और पॉइंट। या इस बार थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आई और ये कारण रहमान इश्तियाक को यहाँ पे अंक मिलता हुआ। वही बातचीत कर रहे हैं पंजाब थंडर के जो स्टॉपर्स हैं, कहीं ना कहीं वो जो तालमेल है वो बना के रखनी होगी। आज दिलचस्प चीज़ ये है, पंजाब थंडर को दिवाइन बढ़त मिल चुकी है, पर यादा ने जो कि कप्तान है अभी तक एक स्टॉपिंग भी नहीं की, जब वो रन में आएंगे तो फिर टीम कहाँ पहुँचेगी वो देखने वाली बात है। अभी तो सुमन जीत हो, लखवीर हो, यानी कि लखा चीमा, उन्होंने अच्छा कार्य किया है। यादा ने तीन बार प्रयास किए हैं, अभी तक सफलता उनके हाथ लगी नहीं। जीशान अपने दूसरे रेड के लिए आ चुके हैं, पहली बार सुखमनजीत उन्हें रोकने में कामयाब रहे थे। आखिरी मिनट में मैच आ चुका है, या इस क्वार्टर का मैच आ चुका है,
तो यहां पे मौका है, सात अंकों की बढ़त क्या बना लेगी पंजाब थंडर की टीम। देखिए किस तरीके से भाप रहे हैं, धक्का भी दिया है और एक और स्टॉप पॉइंट, पहला स्टॉप पॉइंट यादा सुरपुरिया के लिए, जीशान के लिए दूसरी नाकामयाबी। या इन्हीं का जिक्र हम कर रहे थे और देखिए यादा ने किस प्रकार वहां पे स्टॉप किया। ये पहली स्टॉपिंग थी यादा सुरपुरिया द्वारा, पिछले मुकाबले में बहुत बेहतरीन कार्य किया था, आगे से लीड किया था, कप्तान है पंजाब थंडर की टीम में और वो आत्मविश्वास झलक रहा है। जैसे कहते हैं आत्मविश्वास वो संबल है जो रास्ते की सारी बाधाओं को धराशायी कर देता है, ना केवल कप्तान में पंजाब थंडर के पूरी टीम में वो जो हौसला है, जो आत्मविश्वास है वो उभर के नजर आता हुआ। और ये आखिरी रेड का यहाँ पे एक जवाबी जवाली हमला देखने को